मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं भी विद्यमापुर में हूँ, थोड़ा आसपास जो 2-3 जगह हैं वहाँ जाऊँगा और फिर वहाँ से निकल जाऊँगा कोहिमा के लिए, क्योंकि कोहिमा में काफ़ी सारी जगह बुक मार ली है। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया अभी, और अभी पास में एक साइंस सेंटर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर ये है टूरिस्ट लॉज जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइक ऑटोज भी हैं और आई गेस बाइक टैक्सी भी हैं काफ़ी सारी। यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा है, लाइक ज़्यादा गर्मी नहीं है बट धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। काफ़ी डेंजरस सा ब्रिज था, लाइक रस्टेड था पूरा। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की है वो ये है कि यहाँ पे बाहर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाइक कचरे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे मोस्टली हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, लाइक हिंदी सब समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, खासकर दीमापुर में। आगे जाके तो काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, लेकिन उसके लिए नागालैंड की थोड़ा डीप जो फार फ्लंग एरियाज है वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगेन थोड़ा कचरे का इशू है यहाँ पे। सो मैं पहुँच गया हूँ नागालैंड साइंस सेंटर, और इसी के पास ही कुछ ड्रुविंस करके भी जगह है जो मैंने बुक मार्क करके रखी थी। अभी जाते हैं अंदर देखते हैं। एटम और ये थोड़े डायनासोर टाइप बने हुए हैं यहाँ पे। इसके दिख रहा है ऐसे स्पेस एजुकेशन सेंटर, इस तरफ लेफ्ट में, राइट में है नागालैंड साइंस सेंटर। ऐसे ये एक के पीछे एक है ऐसे, तो लाइक पर्सपेक्टिव का एग्जांपल दिया यहाँ पे। बाकी ये तो बंद है, उस तरफ थोड़ा देखते हैं, घर देखते हैं। बंद है, खुला है, आ जाइए। पता नहीं खुला या मैंने खोल दिया। फॉलिंग बॉल ऐसे, ये मैक्सिमम एक्चुअली ये सारे आई गेस ऑन होते होंगे बट अभी बंद है, तो खास उतना कुछ पता नहीं चलेगा। सब स्विच ऑन होगा ना, स्विच ऑफ है अभी इस टाइम। सब बंद है, टाइम टाइम है सर। एक्चुअली 10 बजे शुरू होता है और अभी 10 बज चुके हैं, सो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, टिकट बाहर से लेनी थी। अच्छा ये 10 का ही टिकट था, एक एक 30 रुपीज़ का टिकट है वो 3D शो के लिए, बट वो है 12 बजे के लिए, और 12 बजे मेरा चेकआउट टाइम है, सो मुझे उससे पहले होटल पहुँचना है। इन्होंने ऑन तो किया था क्योंकि 10 बजे ऑन करने का टाइम था, बट अभी लाइट चली गई है, सो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा बिना लाइट के। ये वॉल है, इसको नीचे रोटेट करो तो ये अपने चला जाता है। अच्छा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ इशू है, इसको रोटेट करो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से कि ये ऊपर आ जाता है। अच्छा ये वाली काफ़ी सही है ये। एक्चुअली मैंने मुझे सबसे पहले ये एक लड़की दिखी, ठीक है, और जब मैंने गौर से देखा तो ये ओल्ड लेडी भी है, ओल्ड लेडी का चेहरा भी बनता है। आप एक बार थोड़ा गौर से देखना इसे कि एक टाइम पे ये ईयर्स हैं इस लड़की के, और सेकंड टाइम पे ये आँख हैं इस ओल्ड लेडी के, और ये इसका नोज़ का ही पार्ट है। ये भी एक अच्छा ऑप्टिकल इल्यूजन है, अगर आप इस डॉट की तरफ देखेंगे और आगे पीछे होंगे, ऐसे वीडियो में तो दिखेगा नहीं, तो ये लगता कि रोटेट कर रहा है। इसलिए जो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना है विद रिस्पेक्ट टू कि अगर ईच पार्ट ऑफ बॉडी इज रिलेटेड
जो नंबर ऑफ सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, तो उसके अकॉर्डिंग माना, जैसे कि हाथ में बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए हाथ काफ़ी बड़े दिखाए हुए हैं, और पैर भी कभी दिखाए हुए हैं काफ़ी बड़े, और होंठ भी काफ़ी बड़े दिखाए हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आई गेस जो सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती है वो इन्हीं जगह होती है। बाकी ये तो टोटली बंद है, और थोड़ा आगे देखते हैं कि क्या है। अच्छा बस छत ही है यहाँ पे, यार कुछ नहीं है। सो ये वाला एरिया है पचारी रविंस का, अभी यहाँ पे भी जाना है, अच्छा एक राउंड मार लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ इलिप्टिकल स्पीकिंग ट्यूब है, बट इसके लिए दो लोग चाहिए, बट इसके अंदर भी इन्होंने कचरा डाला हुआ है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट जगह कचारी रविंस, पास में ही है बिल्कुल राइट में आई गेस, इसी के राइट में ये मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है कपड़ों की ये मेनली, और थोड़ा बहुत खाना पीना अभी भी है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है ये। हाँ तो लॉक लगा हुआ है इसे, और एंट्री कहीं आगे से है। सो ये है एंट्रेंस, रिमेन्स ऑफ फोर्ट ऑफ विदिमोपुर, ओके ये मैप, ये स्ट्रक्चर है इसके यहाँ का। फिलहाल तो ये रिमेन्स में बस मोस्टली पाक ही रह गई है, और ये कुछ स्ट्रक्चर रह गए हैं। आई डोंट नो, यहाँ पे वैसे कुछ बोर्ड तो लगा नहीं है कि ये क्या चीज़ है, बट थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पता नहीं किसने तोड़ा, अभी जाके थोड़ी स्टोरी भी देखनी पड़ेगी कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोनोलिथ नंबर 2, ये है टैंक उस तरफ है, एंड मोनोलिथ नंबर 4 वहाँ है, और टॉयलेट भी वहाँ पे है। जहाँ तक मुझे स्टोरी पता चली है वो ये है कि ये एक कचारी सिविलाइजेशन थी 10th century के अराउंड यहाँ पे, तो ये उन्हीं का बिल्ड किया हुआ कुछ था, और इसके बाद अहोम सिविलाइजेशन करके कोई आई थी जिसने लाइक इनको वो कर दिया। अच्छा, था अहोम करके कोई किंगडम था उसने इसको इन्वेड किया था। ये मशरूम डोम पिलर्स हैं, इनका लाइक प्रॉपर कोई अकाउंट नहीं है कि इनका पर्पस क्या था या क्या नहीं हुआ था। अच्छा, ये सब विकिपीडिया में लिखा हुआ है। सही है, ये मशरूम टाइप डोम, ये भी पीछे से टूटा हुआ है। हाँ जी ठीक है। एक्चुअली ये वही लोग थे जो 3 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जो यहाँ पे घूमने आए थे मे बी स्कूल छोड़ के। एंड ये है वो बिग टैंक या पूल कुछ भी कहिए यार, अब तो इसमें बस घास है। आई गेस ये थोड़ा दलदल टाइप भी होगा, अगर मैं जाने का ट्राई तो नहीं करूँगा, बट थोड़ा दलदल टाइप लग रहा है ये भी लाइक दलदल टाइप ही लग रहा है एज सच। हाँ कुछ, हाँ पानी भी है बीच में। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है, चलिए अब उस तरह चलते हैं।
बीच में भी थोड़े से पत्थर हैं। यहाँ थोड़े बहुत रिविन्स टाइप है और पता नहीं थोड़ा ये एक जैसे थ्योरी होती ना वो एक थ्योरी ऐसी भी है कि ये लाइक चेस टाइप गेम थी या क्या था जो यहाँ पे खेला करते थे। ये जो थ्योरी है लाइक कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, लेकिन है बहुत पुराना ये सब लाइक 10th century आज से कोई 1000 साल पहले। सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा अमाउंट में ये पिलर्स टाइप है, कुछ गिरे हुए हैं और कुछ लाइक अभी पूरे प्रॉपर हैं। घास प्रॉपरली कुछ मेंटेन करके रखा नहीं है बट इस पे जो भी घास उगा है काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा वाइट कलर का थोड़ा जैसे देखिए। यहाँ पे आपको देखने वाला लिखा है रुइंस ऑफ फोर्ट एंड मोनोलिथ्स। यहाँ से आई गेस एग्जिट बंद है, सो ये है मेन वाला पार्ट जहाँ पे लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोलिथ्स हैं और सही में चेस गेम की तरह लग रहे हैं और सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। हिस्ट्री की यही प्रॉब्लम है, अगर लिखी ना हो तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या है और अगर गलत लिखी हो तो फिर तो और भी गलत है। सो ये था कचारी रुइंस और इसको राजबरी रुइंस भी कहते हैं। सो अब चलते हैं वापस अपने होटल, चेकआउट करते हैं और निकलते हैं कोहिमा के लिए। पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है यहाँ पे इशू यही है कि और आई गेस फॉरमोस्ट हर दिन बारिश होती होगी मे भी, क्योंकि जब से मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूँ हर शाम को बारिश होती है, इस वजह से रोड में पानी भरना रोड का टूटना बहुत कॉमन है यहाँ पे। के उस पार है मेन रोड और इसी मेन रोड के साथ में ये आई गेस वेजिटेबल फूड मार्केट है। एक तो यूज शो मार्केट लग रही है इस वाली साइड चलते हैं। लोकल शॉप बाकी ये नॉर्मल मार्केट है, सब्जियां और दाल वगैरह। बाकी जो रोड साइड है ये मेनली प्लांट्स की मार्केट है। बाकी ये कुछ डिफरेंट है, ये वहीं पे मार्केट ख़त्म हो गई है, बाकी ये नॉर्मल शॉप्स वगैरह है। अगेन ये रस्टी और रिस्की ब्रिज है। सो मैं पहुंच गया अपने लॉज, बस अभी चेकआउट करते हैं और निकलते हैं कोहिमा के लिए। सो यहाँ से चेकआउट कर लिया है, अब ढूंढते हैं बस स्टैंड। एक्चुअली बस स्टैंड यहीं के आसपास ही था जहाँ मैं निकल देखा था। चलो चलते हैं।